तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ किस तरीके से हम VLOOKUP में कुछ ट्रिक्स को यूज करते हैं। सबसे पहला कि अगर आपके पास मान लीजिए कि मेरे पास तो यहाँ पे डेटा है, लेकिन मान लीजिए कि सिर्फ एरिया है, नेम हुआ, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे नेम है, सिटी है और ये चीज़ें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पूजा को डायरेक्ट, अगर मैं पूजा का अगर VLOOKUP लगाता हूँ तो मुझे पूजा का सिर्फ मुजफ्फरपुर का MUZ का जो है वो दिखेगा, क्योंकि सबसे पहला है वही दिखता है, बाकी नहीं दिखेगा। लेकिन मुझे चाहिए कि भाई पूजा जो है जयपुर में सेल किया हुआ, तो दो के अकॉर्डिंग चाहिए, जो कि मैंने कल डिस्कस किया था। तो ऐसा कुछ सिस्टम VLOOKUP या कोई और फॉर्मूला में अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ ट्रिक्स अपनाते हैं जिससे हो जाता है। सबसे पहले हम लोग एक कॉलम ऐड करते हैं और यहाँ पे हम दोनों कॉलम जैसे सिटी और नेम है, इन दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं डैश लगा के। रतन जी गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? लेट हो गया आज आप? तो इससे क्या हुआ, दोनों आपस में कंबाइन हो गए। थोड़ा बारिश आ रही थी गुड़गांव में। ओके, कोई बात। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों के अब यहाँ पे भी VLOOKUP लगाना है, तो VLOOKUP लगाएंगे तो लुकअप वैल्यू जो है हमारा ए हो गया एक कॉलम में जिसमें नेम और सिटी कंबाइन है, तो मैं यहाँ भी नेम एंड सिटी को कंबाइन कर दूंगा। जी हाँ, नेम एंड सिटी को कंबाइन कर दूंगा और इसको सिलेक्ट किया और 5 नंबर दिया, कॉमा 0 किया, देखिए 52 आ गया, मतलब कि जो पूजा है जयपुर में 52 सेल किया हुआ है। लेकिन अगर इसमें भी अगर मान लीजिए कि मुझे दो नहीं तीन करने, कि मैं पूजा यहाँ पे तीसरा पे आता हूँ कि पूजा मुजफ्फरपुर के नॉर्थ, ये मुजफ्फरपुर नॉर्थ ही है, हाँ पूजा पुणे साउथ, पूजा पुणे एंड साउथ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तीनों कॉलम को मर्ज कर लेंगे। जितने कॉलम्स को आपको लेना है उतना कॉलम मर्ज करके आप एक यूनिक की बना लीजिए और जहाँ VLOOKUP लगाएंगे वहाँ पे भी लुकअप वैल्यू में इन तीनों को मर्ज कर देंगे। सबको समझ में आया? मयूर जी, सुरभि जी, समझ में आया आपको? यस सर। हाँ सर। और फिर हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा 5 कॉमा 0 IIT8, ठीक है जी सर। अब इसमें जो अगला ऑप्शन हमारा आ रहा है वो है कि अगर नेम पूरा नहीं हुआ तो, जैसे कि मैं एक बार इसको सिलेक्ट करके मैं कहीं और रख देता हूँ, इसे यहीं पर रख देता हूँ। अब यहाँ एक मिनट, यहाँ नहीं अलग सिर्फ रखना अच्छा ठीक दिखेगा, हाँ यहाँ पर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास देव कुमार सिंह है, ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा कुमार देव है, और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे देव को लुकअप किया, तो VLOOKUP न देव कुमार सिंह को लुकअप करेगा और न कुमार देव को लुकअप करेगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट मैच करता है, ठीक है, नहीं लुकअप किया। लेकिन इसे देव में मैं स्टार की लगा देता हूँ, तो अब देखिए स्टार आ गया। ईस्ट कहाँ से है? सेंट्रल आना चाहिए, थोड़ी देर तो नहीं है ना? नहीं, ईस्ट सॉरी, ये माफ कीजिए, ये स्टार लगा दिया तो हो गया एंड विथ दिल्ली देव, बल्कि लास्ट मूव देव से पहले कुछ भी होना चाहिए, देव से फिनिश है।
अगर मैंने दोनों तरफ लगा दिया तो ये हो जाएगा कंटेन, तो ये सेंट्रल आएगा कि भाई देव कहीं भी हो, स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो या लास्ट में। लेकिन अगर आपने सिर्फ देव लिखा तो ये आपको सेंट्रल आएगा, मतलब कि स्टार्ट विथ देव, समझे? क्लियर है? कोई डाउट इसमें आप लोगों को? लेकिन एक बार होता है क्या है कि मेरे पास दो डिजिट का कोड है, नेम नहीं है, दो डिजिट का कोड है। अब जीके हो सकता है, एमके हो सकता है, एमएस हो सकता है, डीएल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो जस्ट दो डिजिट का है। तो यहाँ पे आप जो है दो क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, देखिए साउथ आ गया, यानी जो भी दो पहली उसको दो डिजिट वाला मिलेगा उसको यहाँ पे शो कर देगा। मान लीजिए कि दो डिजिट नहीं, मेरा मेरा जो है 15 डिजिट का है, मतलब ये कोई कोड है, अब कोड कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे आप 15 बार 15 बार क्वेश्चन मार्क कीजिए, देखिए ईस्ट आ गया। तो जितना क्वेश्चन मार्क करेंगे उतना आएगा, ठीक है? तो स्टार की और क्वेश्चन मार्क वाला सिस्टम समझ में आया आप लोगों को? किसी को डाउट? नहीं सर। चलिए इसमें आगे तो एक बार क्लिक कर दीजिए स्टार वाला। देखिए अगर मैंने स्टार लिखा, देव लिखा, स्टार लिखा, तो ये हो जाता है कंटेंट विद, मतलब कि देव इस सेल के किस टेक्स के साथ साथ कहीं भी हो, स्टार्टिंग मिडल एंडिंग कहीं भी हो सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने लिखा स्टार और देव लिखा, तो ये हो जाता है एंड विद, और देव और ये देते हैं तो स्टार्ट विद, ठीक है? तो कभी अगर आपको ऐसा लगे कि लुकअप सही से नहीं हो रहा है तो आप इसका यूज आप कर सकते हैं। ओके, अब यहां पे एक चीज और आती है कि मान लीजिए कि मेरे पास सेल्स है। आपको याद होगा जब मैंने इफ का फॉर्मूला आपको कराया था तो इफ के फॉर्मूले में हमने आपको नेस्टेड इफ कराया था। जी हाँ, नेस्टेड इफ। तो उस नेस्टेड इफ में हमने एक स्लैब बताया था कि 0 to 40 हो तो 500, 41 to 80 हो तो 1000, 81 to 100 हो तो 2000, एंड ग्रेटर देन 100 हो तो यहाँ पे 3000 या 5000, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? याद होगा आप लोगों को? याद है ना इसको? लेकिन मैं इफ से नहीं, इसको वी लुकअप से भी कर सकता हूं। उसके लिए मैं यहां पे क्या होगा, सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट हो सिर्फ लिखना होगा 41, 81 एंड 101, और इसके सामने आपको दे देना होगा आपका जो वैल्यू। अब यहाँ मैं वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा 1 एंड 2 को सिलेक्ट करूंगा एंड कॉमा 0। अब 0 कर दिया तो एन नहीं आया, लेकिन 0 के जगह पे मैं 1 कर दूँ, मतलब कि ट्रू कर दूँ, 1 कर दीजिए या फिर ट्रू कर दीजिए, क्योंकि एक्सेल में ट्रू इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए 1000 आ गया। ये क्या करता है, ग्रुप लुकिंग करता है कि ये जो नंबर है वो किसके बीच में, किससे बड़ा है, सॉरी माफ कीजिएगा, किससे बड़ा और किससे छोटा है। तो ये 41 से बड़ा है, 81 से छोटा है, इन दोनों के बीच का है, इसलिए 1000 से बड़ा। तो वी लुकअप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लुकअप फॉर्मूला भी होता है जो कि सेम वर्क करता है। लुकअप, यहाँ पे लुकअप वेक्टर कॉमा रिजल्ट वेक्टर, तो आपके सामने आ गया। लेकिन लुकअप का एक बेनिफिट है, बेनिफिट ये है कि आप लुकअप फॉर्मूले के अंदर में ये सारे कंडीशंस डाल सकते हो, 0, 41, 81, 101, चलिए क्लोज कीजिए कॉमा, अगले की ब्रेक ओपन कीजिए, यहाँ पर जाता है आपका 500, 1000, 2000 एंड 5000, चलिए क्लोज कीजिए।
ठीक है। तो डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा सवाल है कि लुकअप रेंज के अंदर हम ट्रू कब डालते हैं, लुकअप रेंज के अंदर हम ट्रू कब डालते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, समझे? तो ये लोग मेथड समझ में आई आप लोगों को? अब कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चलते हैं। जैसे मैंने यहां से नेम लिया हुआ है, मान लीजिए कुछ नेम उठा लेते हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे पूजा लिखूं और मुझे पूजा का पूरा रिकॉर्ड आ जाना चाहिए, मैं चाहता हूँ पूजा लिखूं और पूजा का पूरा रिकॉर्ड आ जाना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास फिल्टर फॉर्मूले होता है, ठीक है। फिल्टर फॉर्मूले, फिल्टर में आपको अपना डेटा सेलेक्ट करना है, डेटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मुझे इसमें सेलेक्ट करना है इंक्लूड, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड करना है, तो हमने बोला कि दैट इज नेम, जो नेम का कॉलन है वो कॉलन इक्वल टू पूजा होना चाहिए, और आप एंटर प्रेस कीजिए तो आ गया। अब कंट्रोल सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे तो पूरे में फिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर पूजा के जगह पे नीतू करूँ तो मुझे नीतू का डेटा आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे देव करूँ तो देव का डेटा आ जाएगा, देव अगर 3 बार है तो 3 बार आएगा, सॉरी मैंने कंट्रोल सिर्फ एंटर प्रेस कर दिया है इसलिए देव 2 बार आ रहा है, 3, यहाँ पे वापस कंट्रोल सिर्फ एंटर प्रेस करना पड़ेगा, देव 3 बार है ना, एक देव ये रहा, एक देव ये रहा और एक देव ये रहा, 3 देव है ना। तो आपको ये जो कंट्रोल सिर्फ एंटर है ना मत कीजिए, ठीक है, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, देव आ गया, दो ही क्यों आ रहा, A1 से A26 इक्वल टू F3, थर्टी वन एट्टी थ्री, बीच में जो नेम चेंज हुआ वो सही से नहीं दिखा है, 83, और बीच में भी एक देव है ना, और सॉरी देव मैंने डाला नहीं था, माफ़ कीजिए मेरा मिस्टेक है, देव 3 होगा तो 3 आएगा, 4 आएगा तो 4 आएगा, जितना नेम डालेंगे उतना यहाँ पे आ जाएगा। फिल्टर फॉर्मूले से मैं एक बार और लगा के बताता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग नहीं आता है, हेडिंग आपको मैनुअल डालना होगा, मैंने यहाँ इक्वल टू किया फिल्टर, फिल्टर हमने सेलेक्ट किया पूरा डेटा को, उस कॉलम इसको जाता है इंक्लूड, मैं किसको मैच करना है तो उस कॉलम के पूरा डेटा को सेलेक्ट करके इक्वल कर दिया यहाँ पे, जो आपका F3 है देव जो है, नेम इक्वल टू देव, एंटर प्रेस कर दिया, तो जितने भी नेम होंगे आ जाएंगे, और यहाँ जैसे आप नेम चेंज करेंगे तो डेटा भी चेंज हो जाएगा। लेकिन फिल्टर फार्मूला आपके सिस्टम, आपके एक्सेल में होने की कम चांसेस है, क्योंकि ये लेटेस्ट फंक्शन है, गूगल शीट में होता है लेकिन लेटेस्ट एक्सेल में है। तो पुराने एक्सेल में कैसे होगा वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, लेकिन अभी हम बताने जा रहे हैं कि ये तो चलो ठीक है पूरा डेटा आ गया, लेकिन मुझे कुछ इस तरह से चाहिए कि 38, 42, चाहे नेम कितना बार भी रिपीट क्यों ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला टेक्स्ट ज्वाइन। अब बोलेंगे सर टेक्स्ट ज्वाइन तो ज्वाइन करता, जी हाँ टेक्स्ट ज्वाइन ही लगाएंगे, टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर में हम लगाएंगे फॉर्मूला फिल्टर का, नहीं फिल्टर नहीं, फिल्टर भी लगा सकते हो, इफ भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाया, दोनों बता देता हूँ कि इफ दैट इज इक्वल टू नेम मोहन तो ये रिजल्ट डाले, यहाँ पे फॉल्स आ गया तो यहाँ मुझे लास्ट में इफ के ट्रू पार्ट के लिए फॉल्स डालना चाहिए था। अब आ गया 48, 83। अब ये फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है, चलिए हम आपको समझाते हैं फॉर्मूला एवलेट से।
देखिए हमने सबसे पहले लगाया टेक्स्ट ज्वाइन, हमने दिया सेपरेटर कि भाई नंबर जो आएगा उसके बीच में कॉमा का सेपरेटर होगा, और ट्रू कर दिए स्किप ब्लैंक। फिर इफ का फॉर्मूला बोला और बोला कि ए टू से ए सिक्स, ए टू से ए सिक्स, ए टू से हमारा ए सिक्स जो है ए टू से ए सिक्स इक्वल टू, अगर एफ थ्री है तो डी टू से डी सिक्स की वैल्यू दो। तो इफ ने क्या किया कि जितने जितने जहाँ जहाँ मोहन मैच कर रहा था वहाँ वहाँ ट्रू कर दिया, जहाँ जहाँ ट्रू था वहाँ वहाँ रिजल्ट दे दिया, और जहाँ जहाँ फॉल्स था वहाँ पे उसने ब्लैंक दे दिया, क्योंकि हमने इफ़ के ट्रू पार्ट में ब्लैंक डाल रखा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ब्लैंक को स्किप करता है, तो यहाँ ब्लैंक को स्किप किया, सिर्फ जो आपके नंबर्स थे वो नंबर आ गया। लेकिन अगर इसी को हम फिल्टर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस लगा के टेक्स्ट ज्वाइन, और टेक्स्ट ज्वाइन पे हमने गए और यहाँ पे हमने दिया कॉमा, यहाँ पे देंगे ट्रू कॉमा, और यहाँ फिर हम सेलेक्ट करेंगे अपने इसको कि यहाँ फिल्टर फॉर्मूला, फिल्टर फॉर्मूला होगा, फिल्टर, फिल्टर में हमने सेलेक्ट कर लिया अपने डेटा को। फिर आता है इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना है, तो हमने बोला कि यहाँ जो नाम है नाम इक्वल टू मोहन होना चाहिए। समझ गए सर? एक बार वापस बताइए ना सर वो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? यही जो आपने अभी बताया सर, लीजिए टेक्स्ट जॉइन वाला। देखिए सामने आपके फॉर्मूला, देखिए क्या दिक्कत है आपको। कॉमा जो डाला वो क्यों डाला है सर? कॉमा सेपरेटर के लिए ना, कि एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में सेपरेट, क्या सेपरेटर क्या होगा? ओके ओके सर, इसके अंदर ट्रू डालना जरूरी है क्या टेक्स्ट ज्वाइन में? क्या इसके अंदर? हाँ, ये ट्रू ट्रू इसलिए जो डालना, डाल, ट्रू मतलब जो ब्लैंक होगा उसको स्किप कर देगा, ब्लैंक सेल को, वरना नहीं करोगे तो फिर कॉमा 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 लगा के आ जाएगा ना। देखिए सिंपल समझिए, टेक्स्ट ज्वाइन का काम क्या है? टेक्स्ट ज्वाइन का काम यह है कि एक रेंज में जितने भी टेक्स्ट है उसको कंबाइन करता है, और ये जो मांगता है, ये मांगता है सेपरेटर कि भाई दो टेक्स्ट के बीच में क्या सेपरेटर होगा, और ब्लैंक मिले तो क्या करो, उसको इंक्लूड कर दो या फॉल्स कर दो, मैंने नहीं इंक्लूड करो, इग्नोर करो या इंक्लूड नहीं करो। और हमने मान लीजिए कि एक एरिया यहाँ ले लिया ना सर, ये आ गया। अगर बीच में कोई ब्लैंक है तो फिर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस ट्रू के जगह पर अगर आपने फॉल्स कर दिया तो अगर ब्लैंक होगा तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा, एक मिनट, फॉल्स था ना, फॉल्स कर दिया तो यहाँ देखिए एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया ना सर, इसलिए मैं वहां पे ट्रू किया। तो इन इसको जो टेक्स्ट ज्वाइन का काम क्या है, टेक्स्ट ज्वाइन का काम पहले पहले ही आपको टेक्स्ट ज्वाइन करना बताया था, बट आप लोग लग रहा है कि ध्यान नहीं दिए थे या फिर याद नहीं आप लोगों को, ये दोनों गलत है।
अब यहाँ जो है हमने C22 हमने अरेंज दिया, तो हमने इफ का फॉर्मूला या फिल्टर का फॉर्मूला इसलिए लगाया ताकि टेक्स्ट ज्वाइन को वही डेटा मिले जो कि कंडीशन को मैच करता है, बात समझे? इसलिए मैंने यहाँ पे इफ लगाया और इफ को बोला कि भाई इस पूरे में से जिसका जिसका नेम मोहन है उसी को दो टेक्स्ट ज्वाइन को, बाकी को ब्लैंक कर दो। और फिल्टर फॉर्मूला के मैंने वही बोला कि जो टेक्स्ट ज्वाइन में इक्वल टू मोहन है उसी को टेक्स्ट ज्वाइन कर दो, बाकी को इग्नोर कर दो, समझे? क्लियर है? और क्लियर है तो ये आपको चीज़ समझ में ऐसे नहीं आएगी जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो कीप स्टार्ट प्रैक्टिस।